इस क्षण से लेकर मृत्यु जब तक हमें अलग ना कर दे, मैं तुम्हारा हूं। कौन सी तीन एक्ट्रेस आएंगी फिल्म में नजर? कौन सी एक्ट्रेस होंगी तीनों में टॉप पर? इमरान हाशमी की कौन सी हीरोइन बनी फिल्म का हिस्सा? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्टूडियोज में। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्रुति। दोस्तों, बॉलीवुड ब्यूटी ऐश्वर्या राय बच्चन की अपकमिंग फिल्म पूनियन सेल्वान की शूटिंग तो खत्म हो गई है, लेकिन अभी तक इस फिल्म का टीजर रिलीज नहीं किया गया है, जिसका फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। वैसे आज हम इस फिल्म के हीरोइंस की बात करने वाले हैं। हीरोइंस इसलिए क्योंकि इस फिल्म में एक या दो नहीं बल्कि तीन हीरोइंस होने वाली है। फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन के अलावा ऐश्वर्या लक्ष्मी और शोभिता धुलीपाला भी हीरोइन के तौर पर नजर आने वाली है। वैसे ऐश्वर्या राय बच्चन को कौन नहीं जानता, उनके फैंस की लिस्ट तो इतनी बड़ी है कि उसको देखकर कोई भी उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकता है। ऐश्वर्या राय की पॉपुलर फिल्मों में हम दिल दे चुके सनम, रोबोट, धूम 2, ए दिल है मुश्किल और देवदास जैसी फिल्में शामिल है। फिल्म की दूसरी हीरोइन है शोभिता धुलीपाला। इन्होंने मलयालम, तेलुगु के साथ हिंदी फिल्मों में भी काम किया है। साइको, लेकिन आपको इनको बॉलीवुड फिल्म द बॉडी में इमरान हाशमी के साथ लीड रोल में भी काम करते हुए देखा है। अब बात फिल्म की तीसरी हीरोइन यानी कि ऐश्वर्या लक्ष्मी की, जो सिर्फ मलयालम फिल्मों में ही नजर आती है, जिनकी अब तक की कुछ फिल्मों में मयांडी, विजय सुपिरम और वराथन जैसी मलयालम फिल्में शामिल है। फिल्म में ये तीनों हीरोइंस मिलकर तीन का तड़का लगाते हुए नजर आने वाली है। लेकिन एक बात ये भी है कि तीनों में टॉप फीमेल लीड कौन होगा, क्योंकि फिल्म में चाहे कितने भी एक्ट्रेस हो लेकिन हीरोइन तो कोई एक ही कहलाएगा। तो आपको बता दें कि इसमें कोई शक नहीं है कि ऐश्वर्या राय बच्चन ही इन तीनों में टॉप पर इस फिल्म में दिखाई देंगी, या फिर कहें कि इस फिल्म की हीरोइन कहलाएंगी। इस फिल्म में विक्रम, कार्थी, जयराम और भी बहुत से कलाकार नजर आने वाले हैं। ये फिल्म कल्कि कृष्णमूर्ति के 1955 के उपन्यास पूनियन सेल्वान पर बेस्ड है। इस उपन्यास में साउथ के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक अरुलमोझी वर्मन के शुरुआती दिनों की कहानी को बताया गया है, जो आगे चलकर महान चोल सम्राट राजराजा चोल प्रथम बने। इस फिल्म का बजट करीब 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। फिल्म का प्रोडक्शन मद्रास टॉकीज और लाइका प्रोडक्शंस की कोऑपरेशन से हो रहा है। पूनियन सेल्वान अगले साल 2022 की गर्मियों में रिलीज होगी। तो आप लोग बताएं कि क्या आप भी इस तिगड़ी को फिल्म में देखने के लिए बेकरार हैं? आप लोग अपने कमेंट्स हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही कुछ और नई अपडेट्स जानने के लिए फॉलो करें बॉलीवुड स्टूडियोज़।